हेलो एवरीवन, मैं आपकी गार्डनर दोस्त। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सामने आपको एक बहुत ही सुंदर प्लांट जिसे ब्रह्म कमल के नाम से जाना जाता है, तो उसी की आज मैं मतलब लीस प्रोपेकेट करने वाली हूँ, कटिंग ग्रो करने वाली हूँ। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जो ब्रह्म कमल का प्लांट होता है बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और लगभग 4 साल में एक बार ब्लूम होता है बोला जाता है, और बहुत ही लक्की प्लांट बोला जाता है इसे। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप किसी प्लांट की अच्छे से केयरिंग करेंगे ना, तो वो मतलब समय समय पर ब्लूम होगा। तो आजकल तो पहले बोला जाता था कि जैसे ब्रह्म कमल की बहुत रेयर वैरायटी आती थी जो 12 साल में एक बार खिलती थी, तो ये जो है ना वैरायटी, इसको मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने कुछ प्लांट बाय किए हुए थे मतलब ऑनलाइन बहुत दिन पहले, तो उसी की 3 कलर डिफरेंट कलर के थे, और एक मेरे पास वाइट वाला भी है। और ये वाला जो है ना, ये 3 प्लांट है, एक रेड कलर, एक येलो और एक ऑरेंज। तो तीनों पॉट मतलब एक ही पॉट में मैंने तीनों प्लांट को लगा दिया था, काफ़ी लगी से हो गए हैं। और इस प्लांट की खासियत जो होती है ना कि ये लीफ्स से भी प्रोपेकेट हो जाते हैं, ज़्यादातर ये लीफ्स से ही होते हैं प्रोपेकेट। और इस तरीके से इसमें देखिए मतलब बढ़ते हैं ये प्लांट। एक स्टेम होता है इसका, एक जो लीफ है देखिए ठीक सी आपको मोटी सी लीफ दिख रही होगी, ये इसकी लीफ है, और लीफ के जस्ट ऊपर दूसरी लीफ बनती है। और जो इसके फ्लावर भी जो होते हैं ना, वो ऐसे टिप पर आते हैं। ये जो लिप्स के ऊपर एक लीफ हुआ, उसके ऊपर फिर फ्लावर आते हैं। तो मैंने तो आज तक इसका फ्लावर सी पिक्चर में ही देखा है। तो देखते हैं आज इसी को प्रोपेकेट करते हैं। और बहुत स्लो ग्रोथ होती है इसकी, इस प्लांट की। तो इसी की मैं एक कटिंग मतलब 3 प्लांट है एक ही पॉट पे लगे हुए हैं, तो इसी की मैं चलिए जल्दी से कटिंग लगा लेती हूँ। तो कटिंग कैसे लेना है आपको ये भी बताती हूँ। आप चाहे तो एक ऐसे लीफ्स ले सकते हैं और उसको इस तरीके से कट कर दीजिए, 1 2 3 3 पार्ट में कट कर दीजिए और उसे लगा दीजिए। लेकिन मैं सोच रही हूँ आज इसके जो मदर प्लांट है ना, जैसे ये देखिए, ये जो लीफ्स हैं वो बिल्कुल मतलब नए हैं, नए निकले हैं, न्यू लीफ है। और ये जो लीफ दिख रहा है ना आपको, ये इसके पुराने लीफ है, तो इसी को ही कट कर कर मैं लगाऊंगी। और कुछ इसके बेबी प्लांट है मतलब ऊपर से, तो इसे भी लगा लूँगी। और हाँ, इसका जो कलर है ना, मैं आपको मतलब इस वीडियो पे लगा दूँगी। बहुत सुंदर होते हैं ब्रह्म कमल का प्लांट, लकी प्लांट होता है। तो चलिए मैं कटिंग लेने के लिए देखिए यहाँ से लेती हूँ। तो देखिए इसमें छोटी छोटी मतलब ग्रोथ चालू हो गई है, और ये मतलब समर लविंग प्लांट नहीं होते हैं, इनको शेड पसंद होता है। जहाँ आपकी बालकनी, जैसे बालकनी गार्डन हो गया, जहाँ पे आपका बिल्कुल छांव वाला एरिया होता है ना, ये प्लेस इसे पसंद होता है। आप इंडोर मतलब ये नहीं कि आप उसको अंधेरे कमरे में रख देंगे, ऐसे ब्राइट लाइट में आपको रखना है जहाँ पर सनलाइट ना आए। तो देखिए फर्स्ट प्लांट मेरा ये है जो मैंने इसे लगाया है, ये वाला, ये देखिए एक प्लांट ये है। तो यहाँ से हम कटिंग ले लेते हैं। तो कटिंग लेने के लिए देखिए ये वाले जो है ना लीव्स, ये बहुत ओल्ड है, तो मैं इसे ही कट करूँगी ताकि अच्छे से इसमें प्रोपेकेट हो जाए। ये काफ़ी ठीक है, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो चलिए ये देखिए मैंने इस टाइप से ले लिया है, पुराना वाला जो इसके लीव्स है उसे ले लिए हैं। ये एक मैंने यहाँ से लिया है, और ये वाला जो है ना, इसके जो पत्ते हैं वो थोड़े से मतलब इसको ऐसा लग रहा है न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो मैं यहाँ से भी निकाल लूँगी। और यहाँ पे से देखिए इसको कैटरपिलर ने कट किया है, तो यहाँ से शायद इसकी न्यू ग्रोथ आए। तो ये वाला लीफ ले लिया है मैंने, और ये देखिए इसका मदर लीफ है ये। तो यहाँ पे भी देखिए छोटे छोटे पप्स निकल रहे हैं, नए नए लीव्स निकल रहे हैं। देखिए बहुत डिफरेंट प्लांट है ये, लीव्स के ऊपर से लीव्स निकलता है, तो इसके मैंने ले लिए हैं। और इसके और ये जो नया वाला है ना, इसके भी मैं ज़रूर लूँगी। तो ऐसा करके मैं लीव्स ले लेती हूँ, और इस लीव्स को देखिए ये इस तरीके से यहाँ से कट करके आप इसे प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले लेती हूँ कटिंग और फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे लीव्स को कट कर दिया है, और चलिए इसे लगाते हैं। तो एक लंबी सी लीव थी तो मैंने इसको यहाँ से कट किया। तो
कट, और मैंने कुछ रूट हार्मोन पाउडर लिया है, चाहे तो आप एलोवेरा ले सकते हैं, और वो नहीं है तो आप दालचीनी का पाउडर ले सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप टर्मेरिक पाउडर ले सकते हैं, ऑप्शनल में है ये। तो देखिए ये जो जो है ना, ये देखिए ये जो मेरा है इसे हम लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए रूट हार्मोन पाउडर को आप डीप कर दीजिए, और डीप करने के बाद आप ये देखिए मैंने सॉइल लिया है, और ये नॉर्मल कॉटन सॉइल है जिसे मैं अपने मतलब लगाती हूँ। इस बार मैं कटिंग लेने के लिए कोकोपीट सेंट का मिक्सचर नहीं ले रही हूँ, जो नॉर्मल कॉटन सॉइल होता है, जो पुरानी मिट्टी है, मैं उसी में आज ये पॉट पे लगा हुआ था तो मैं इसी में ग्रो कर रही हूँ। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये देखिए ऐसे एज इट इज़, शायद ये इसका टिप एरिया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं गलत ले रही हूँ, ये वाला जो एरिया है ना इसका, हाँ ये ठीक ही लगाया था मैंने, ये ऐसे आपको यहाँ पे सॉइल में दबा देनी है। और ये वाला देखिए, ये भी छोटा सा है, नया बेबी है, तो ये मैं जब कट कर रही थी तो निकल गया, तो इसे भी हम ऐसे ही एज इट इज़ लगा देंगे। और ये वाला जो है ना, इसे भी ये यहाँ ऊपर से मैंने कट किया है, तो ये वाला जो पोर्शन है आपको इस पोर्शन को लगा देना है, ये देखिए ऐसा ऐसा आप रूट हार्मोन पाउडर को लगा लीजिए, और इस तरीके से आपको साइल में ऐसे लगा देने हैं। और ये वाला है तो इसे भी इधर साइड से लगा लेंगे, और इसको रखने का प्लेस अभी मैं आपको बताती हूँ कि अभी आप इसे बिल्कुल मतलब छांव वाले एरिया में ही रखिए, जहाँ पे ब्राइट लाइट आती है। जब इसमें आप हल्की सी अगर ग्रोथ नज़र आए तो फिर आप इसे अलग अलग पॉट पे लगा दीजिएगा। ये देखिए ये भी, ये काफ़ी ओल्ड स्टेम है, और थोड़ा सा इसमें देखिए पुरानी लीव्स है, तो मैं ये वाला हिस्सा कट कर देती हूँ। ये इस तरीके से, ये थोड़ा सा लीव्स बहुत काफ़ी कमज़ोर है, तो इसे मैं ऐसे ही कोकोपीट सेंट में मैंने इसने ही लगाया कि डायरेक्ट मैं इस पॉट पे मैं ग्रो कर रही हूँ, तो बार बार मतलब कटिंग लग जाती है मेरी, तो मैं बार बार मतलब इसे कट करने के लिए नहीं यूज़ करूँगी, डायरेक्ट इसी में लगा रही हूँ। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड, आप भी आप लगा सकते हैं ब्रह्म कमल की कटिंग। और बस फ्रेंड इतना ही बताना था, तो वीडियो कैसे लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और जाते जाते फ्रेंड्स, मैं आपको आज का वेदर भी दिखाती हूँ। हमारे यहाँ कल शाम की बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और मैंने अपने सारे अडेनियम को मतलब ये बाहर वाले एरिया पर शिफ्ट कर दिया था। मेरे दो अडेनियम रूट रॉट हो गए हैं, तो मैंने उसे निकाल के कट करके फंगीसाइड लगा के रख दिया है, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक अरेंजमेंट किया था। ये देखिए ये यहाँ पे, तो ये वाले एरिया पे सनलाइट बहुत अच्छी से आती है। और इस टाइप मैंने बोगनविलिया की भी कटिंग करी हुई है, और इधर मेरे बोगनविलिया हैं देखिए, यूफोरबिया मिली, और ये इस तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।